पीजी कॉलेज बिलासपुर में प्राध्यापक के द्वारा छात्रा के साथ मोबाइल पर अश्लील बातें कर उसे यौनाचार के प्रति सहमत करने के लिए दबाव बनाने के मामले में कड़ा तूल पकड़ लिया है और छात्र छात्राओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर लिया है। वहीं छात्रों ने न्याय प्राप्ति के लिए जमकर नारेबाजी भी की। छात्राओं सहित प्रधानाचार्य रामकृष्ण ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की, साथ ही आरोपी प्राध्यापक पर नियमानुसार कार्यवाही के प्रति मामला उच्च अधिकारियों को अग्रिम निर्णय के प्रति प्रेषित करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों ने इस मामले को लेकर आरोपी प्राध्यापक को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। छात्र संगठनों ने प्रशासन व कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी है कि आरोपी के ऊपर शीघ्र ही कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जिला कांगड़ा के देहरा उपमंडल के डलियारा में एक बायोमास प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें लिटाना और पाइप नीडल चीड़ की पत्तियों को परिष्कृत करके इसका पाउडर बनाया जाएगा, जिसे सीमेंट और ईंट की कंपनियों को बेचा जाएगा। इससे भी बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वहीं पर्यावरण भी बचेगा। ये शब्द देहरा विधानसभा के विधायक होशियार सिंह ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था लिटाना को 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी। वहीं लिटाना और चीड़ की पत्तियों के कारण जंगलों को लगने वाली आग के मामले भी कम होंगे। अमरसन इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये प्लांट लगाया गया है और सरकार ने ऐसे 25 प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। एक यूनिट 25 लाख रुपए में स्थापित होगा और इसमें 50% सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए बिक्रेटिंग मशीन भी बनाई गई है, जिसके लिए ITI मंडी का भी सहयोग लिया गया है। उन्होंने कहा कि देहरा के हरिपुर में CRPF के कमांडो कोबरा की ट्रेनिंग सेंटर बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। विधायक ने कहा कि हरिपुर में CRPS कोबरा कैंप खोला जाना है और इस कैंप में हिमाचल सरकार ने 250 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है। पत्रकार वार्ता के दौरान देहरा के विधायक होशियार सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद CRPF यहां कोबरा ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा, जहां 2500 परिवारों का बेस कैंप भी बनेगा, साथ ही यहां भर्ती सेंटर भी बनेगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 10,000 के लगभग नए लोग आएंगे, जिससे इलाके की तरक्की होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विधायक ने देहरा उपमंडल के हरिपुर में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इसकी अधिसूचना उनको प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही मुख्यमंत्री हरिपुर में इसका शुभारम्भ करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से हरिपुर के लोगों को भी लाभ मिलेगा। सोलन शहर में उसमें दहशत का माहौल बन गया, जब सोलन के देऊघाट के पड़दल गांव में एक युवक के शव की पेड़ से लटकने की सूचना शहर में फैली। शव का पेड़ से लटके होने का पता तब चला जब गांव वाले जंगल में घास काटने गए हुए थे। ग्रामीणों को जब कुछ सड़ने की बदबू आई तो इधर उधर देखने पर पाया कि एक शव पेड़ से लटका हुआ था। जानकारी के अनुसार शव की पहचान देवकी नंदन 25 वर्षीय ठियोग शिमला निवासी के रूप में हुई है। उसकी जेब से आधार कार्ड और एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि वो अपनी मर्जी से सुसाइड कर रहा है और इसके लिए किसी को भी दोषी न समझा जाए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है कि युवक यहां कैसे पहुंचा। भी सप्रूपन पंचायत के वार्ड मेंबर अनिल ने बताया कि पड़गल गांव में घास काटने के लिए गांव के लोग गए थे, लेकिन वहां कुछ सड़ने की बदबू आ रही थी। जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि एक युवक ने फंदा लगाया हुआ था। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।